वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रेडएक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ कि अगर आपके फ़ोन से कोई भी इम्पोर्टेंट इमेज फ़ोटो अगर बाय द वे डिलीट हो गई है, गलती से डिलीट हो गई है, तो आप चिंता ना करें। आज इसी के ट्रिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट फ़ोटो इमेज डिलीट हो गई है तो आप अपने फ़ोन में आसानी से उसे कैसे रिकवरी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपका डिलीट हुआ फ़ोटो आएगा और आपके मोबाइल स्टोर में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फटाक से सीख लेते हैं कैसे हमें फ़ोटो रिकवर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो हमें सिंपली प्ले स्टोर मिल जाएगा। हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है, सर्च बार में आपको लिखना है डिस्क डिगर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे आ जाएगा जिसका नाम है डिस्क डिगर। आप इसका लोगो देख लीजिएगा, लोगो जो है आपको सामने आ गया है और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। और आइए कुछ आपको इसका रिटर्न्स बता देते हैं। इसका 4.2 की रेटिंग है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है प्ले स्टोर में और 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है। और यहाँ पे इसके ऐप के द्वारा कुछ पिक्चर्स यहाँ पर डाउनलोड किए गए हैं जो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिव्यूज दिए हैं जो इसके यूज़र हैं, इन्होंने कुछ बताया है इस ऐप के बारे में कि अच्छा है या ख़राब, तो आप इसका रिव्यूज पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत से रिव्यूज चेक किए, बहुत ही अच्छा कमेंट आया था तो मैं सोचा हूँ कि इसके लिए मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँ। तो चलिए फटाक से सीख लेते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है डिस्क डिगर। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक बेसिक स्कैन एक फुल स्कैन। तो आपको क्या करना है कि बेसिक स्कैन में जो होता है नो रूट यानी कि विदाउट रूट किए अपने मोबाइल को आप फोटो रिकवरी कर सकते हो। और मतलब बेसिक स्कैन करता है जो मतलब आप 1 वीक या 1 मंथ के बीच आपका फ़ोटो डिलीट हुआ होगा वो आपका रिकवरी कर लेगा। और यहाँ पे फुल स्कैन यानी कि जितने आप तब तक आप मोबाइल लिए हो जब से उस वक्त से जो भी फ़ोटो डिलीट हुआ होगा वो सारा आ जाएगा। तो उसके लिए रूट की रिक्वायर्ड करेगी। अगर आपका फ़ोन अगर रूट नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाली वीडियो में इसको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल को रूट कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैं बेसिक स्कैन बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें फुल स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बेसिक स्कैन से ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें स्टार्ट योर बेसिक स्कैन पे फोटो स्कैन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें कुछ अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, इससे हम अलाउ कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे ये रिकवरी कर रहा है, इतना फाइल रिकवर। इसमें एक बात और है दोस्तों, इसमें जो आपके मोबाइल का भी जो फ़ोटो होता है ना, जो भी प्रेजेंट में अवेलेबल होता है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो आपको फाइंड कर लेना, जैसे कि मान लीजिए आप पहचान लीजिए कौन स्टोरेज में है, आपको उसमें ढूंढ लेना कौन मेरा फ़ोटो डिलीट हुआ है। तो फाइनली एग्जांपल स्वरूप मैं आपको दे रहा कि इसमें देखिए अभी तक 63 फाइल रिकवर कर चुका है और बढ़ भी रहा है। ऊपर से जैसे मान लीजिए मैं इस 2 फ़ोटो को मतलब हमें चाहिए रिकवर जो हुआ है, एक ये वाला चाहिए और एक ये वाला। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन रिकवर का, ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है। पहले जो भी फ़ोटो आपको चाहिए उस पर चेकबुक लगा लीजिए, जैसे कि मैंने चेक किया है यहाँ पे। और उसको चेकबुक लगाने के बाद नीचे आपको क्या करना है, रिकवर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकवर पे क्लिक करेंगे इसमें आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है इसमें दिया है सेव द फाइल्स टू ए कस्टम लोकेशन ऑन योर डिवाइस, यू विल नीड टू फाइंड द फाइल्स योर सेल्फ आफ्टर सेविंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे अगर आप चाहेंगे तो कोई भी फाइल में इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इसमें आपका मोबाइल का फोल्डर इसमें दिखा रहा है तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे कोई भी चुनिए, जैसे कि मान लीजिए मैं ब्लर इमेज में इसको ऑप्शन को ले रहा, ठीक है, यहाँ पे ब्लर इमेज इसको मैं क्लिक कर रहा। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे से चेक ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपको कहेगा कि भाई अगर आप कुछ रेट देना चाहते हैं हमारे ऐप को तो दे सकते हैं, तो मैं रहने दे रहा, मैं यहाँ पे नीचे नो थैंक्स पे क्लिक कर दे रहा। नो थैंक्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए कि आपका फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 फाइल आपका रिकवर सक्सेसफुल हो गया है और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया यहाँ पर। तो हम चलते हैं आपको फाइल मैनेजर में एक बार दिखा देते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके फाइल शो होती है, जो भी फाइल का लोकेशन शो होता है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और इसमें मैं ढूंढ लेता हूँ ब्लर इमेज कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लर इमेज यहाँ पे आ गया है, मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा आपको। ब्लर इमेज खोलने के बाद आपको नीचे चले जाना है, ठीक है। नीचे चले जाने के बाद आपको मिल जाएगा वो ऐप, दिखा रहा मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दो हमारा जो इमेज मैंने रिकवर किया वो आ गया, एक ये है और एक ये है। ये दो फोटो मैंने अभी भी जस्ट अभी रिकवर किया है, जो हमें फाइल इंटरनल में स्टोरेज में आ गया है। अब हम इसका जो भी हमें काम करना है इस फोटो का हम कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और यार कमेंट भी कर दिया करो जैसा भी लगे वीडियो आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़।